Mashallah. नमस्ते दोस्तों, आई के स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में मार्क्यू टैग कैसे लगाया जाता है, यानी वेब पेजेस में मूविंग टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, दिखाया जाएगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें, जैसे बॉडी हेड एंड टाइटल टैग डालें। उसके बाद आपको मार्क्यू टैग लगाने के लिए सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले। अब आप अपनी सेव फाइल किसी भी ब्राउजर में ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था अब वो वेब पेज पर शो हो रहा है, लेकिन वो स्थिर है। उसको चलाने के लिए ही मार्क्यू टैग डालना पड़ता है। अब आप अपनी HTML फाइल में मार्क्यू टैग डालें, जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, टैग क्लोज भी करें। अब आप फाइल को कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल सेव करें और ब्राउजर में रिफ्रेश पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे तो आपको आपका टेक्स्ट मूव होता दिखाई देगा। टेक्स्ट में हेडिंग टैग डाल देते हैं, जिससे आपको टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। आप कितनी भी लाइनों में मार्क्यू टैग लगा सकते हैं। उसके बाद आप मार्क्यू टैग में विड्थ यानी चौड़ाई घटा या बढ़ा सकते हो। आप मार्क्यू टैग की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। चलो अब चारों मार्क्यू का बीजी कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको सभी में अंतर नजर आ सके। अब आप इन सभी टैग को कॉपी कर ले और खुद प्रैक्टिस करके देखे। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आई के स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।